चैनल पविका फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है तैयारी मार्केट अपने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग करने को। पता है अब सीधा बड़ा त्योहार आएगा मकर संक्रांति, तो मैं ठाकुर जी के लिए लेने जा रही हूँ उनकी जो जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो सब चीज़ें उनके कपड़े हैं और उनकी आभूषण हैं जो भी पहनते हैं वो सब चीज़ें। तो चलिए चलते हैं और मैं मार्केट जाके आपको दिखा दूँगी। ये हमारे ठाकुर जी, मिल लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, मिलते हैं सीधा मार्केट में और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है और क्या क्या पसंद आता है। वैसे मैं ऐसी वैसी चीज़ तो उठा के लाने वाली नहीं हूँ, जो अच्छा लगेगा वही लेके आऊँगी। और वैसे हमारा प्लान था वृंदावन जाने का, लेकिन ये न्यू ईयर आ रहा है ना, तो न्यू ईयर पर रहती है बहुत भीड़ वृंदावन में, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया वृंदावन जाना, नहीं तो वहीं से सारी चीज़ें लेके आती। तो अभी जा रही हूँ मैं यहीं भिंड के मार्केट में और देखते हैं क्या मिलता है। जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, और एक नहीं तो दो तीन दुकानों पे तो जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ पे क्या पसंद आता है, और नहीं आएगा तो मैं बाहर से मंगा लूँगी जो कोई भी बाहर जाएगा उससे। तो चलिए मिलते हैं सीधा मार्केट में और आप लोग भी चलिए, आप लोग भी दिखा देंगे क्या क्या लेते हैं हम, और नहीं तो घर आके सब चीज़ दिखाई देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए मार्केट में और सीधा इसी शॉप पे आए हैं क्योंकि हमें और कोई चीज़ लेनी नहीं थी। और ये शॉप है हनुमान बजरिया में, वृंदावन पोशाक भंडार नाम से है, जो हनुमान बजरिया में हनुमान जी का मंदिर है उसी के अपोजिट साइड में है, सामने ही समझ लो। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये शायद मेरे हिसाब से कि भिंड की सबसे बड़ी दुकान होगी जहाँ पर ये सब सारा सामान मिलता है। तो देख लीजिए आप लोग भी, काफ़ी मतलब इनके पास। वेलवेट में ही ऐसे में नहीं है, ऐसे वाले कपड़े बनारसी कपड़े में डिजाइन हो, कलर सही है, ऐसा कलर है नहीं जी। नहीं तो फिर सही सीधा सा देख लो, थोड़ा सही सीधा जी देखना जी, ग्रीन ग्रीन और ये ऐसा उसमें जो रखे थे ना, इसमें देख लो, इसमें कलर अच्छे लगे हैं। तो एक ही चीज़ कलर उसमें अपने हिसाब से देख तो सकते हैं, देख ये भी अच्छा लग रहा है, तुम हाथ में पकड़े हो। ये वाला देख लो, बेदी के इधर ही रहना बेटा, बेदी उधर रहना, बेदू उधर है ना, छोटा है, ठीक लग रहा है, छोटा नहीं सही आएगा, नहीं वही कह रहे ठीक लग रहा है, नहीं वो नहीं छोटा है, दूसरा देखा था वो छोटा है। क्या कहाँ है ठाकुर जी? वो ठाकुर जी नकली लड्डू लिए हैं, नकली लड्डू, नकली कहाँ है?
ये रुई है वो बत्ती है, दिया दीपक पूजा करने वाली बत्ती, पूजा करने वाली बत्तियां हैं। बहुत चक्कर लगाया मैंने, घूम घूम के आ जाओ इधर। प्रसाद नहीं है, रुई की बत्ती है, रुई की बत्ती बतासा थोड़े ना है। हेलो हाय फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी और हमारे यहाँ पे आज ही संक्रांति मनाई जा रही है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खिचड़ी दान करने के लिए, और ये लिए है मैंने चावल, और थोड़ी सी ही दाल मिलाऊंगी इसमें क्योंकि खिचड़ी शायद कोई खाए नहीं इसलिए, और चावल और ख़राब हो जाएंगे इसलिए इसमें थोड़ी सी ही दाल मिला दी है मैंने। और बस अभी जा रही हूँ मैं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए और उनको। तो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं मार्केट से कान्हा जी के लिए क्या क्या लेके आई थी, और जितना भी लेके आई हूँ वो थोड़ा बहुत ही मुझे पसंद आया था, ठीक से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मन भर गया हो मेरा देख के। और ऐसी चीज़ मैं लेना पसंद नहीं करती हूँ जो यूज़लेस हो, फालतू में पड़ी रहे। और चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोग को जो भी मुझे मिला हो। तो ये दोनों ऊनी ड्रेस हैं, बुलन वाली, ए और ए वाली, बस यही मुझे पसंद आई थी। और इसके साथ एक कैप भी आया है, ये देखिए आप लोग, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं इनके, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली तो। लेकिन इसके अलावा कुछ ज़्यादा ठीक ठाक डिज़ाइन में नहीं थी, कलर तो और भी थे लेकिन डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सेम ही सेम डिज़ाइन थी सभी। ये फैदर की जो ऊन रहती है उसी में है सब दोनों। तो वैसे तो मैं ऊनी कपड़े लेने के लिए गई थी लेकिन एक मुझे सादा सी सिंपल सी ड्रेस भी पसंद आ गई उनकी, गर्मियों में पहनने वाली, तो इसको भी मैं ले आई। लाइट पिंक कलर में वो थोड़ा ये मिरर टाइप का वर्क है इसमें, बहुत सुंदर ड्रेस है ये वाली। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और साथ मेरे कान्हा जी के पास ये है भी नहीं इस कलर की, इसलिए मैं इसको भी ले आई। और ये है इनकी रजाई है, ये दोनों चीज़ का काम करेगी, ये बेड पे भी डाल सकते हैं उनके लिए गद्दा बना के, और रजाई का भी काम कर जाएगी तो मैं इसको बिछाने के ही काम में लूँगी उनके लिए क्योंकि रजाई उनके पास है। और बस कपड़ों में यही है, तीन ड्रेस लेके आई हूँ, और ये थोड़ा उनके वही अंडर गारमेंट्स है बस। और ये है इनका नेकलेस, देखिए आप लोग, ये है हमारे कान्हा जी का नेकलेस, और एक ये माला है, और ये है उनके हाथों के कंगन, चूड़ी क्या कहेंगे, कंगन है, ब्रेसलेट हैं ये, बस एक ही जोड़ी लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसी अच्छी कोई चीज़ नहीं मिलती है, सेम टू सेम सभी एक जैसी चीज़ें हैं तो ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है। वैसी चीज़ें उनके पास बहुत सारी रखी हुई हैं पहले से, और ये है उनके लिए वैसे एक कैब थे, छोटे छोटे कैब मिल रहे थे वहाँ पे, जो छोटे कान्हा जी होते हैं 0 नंबर वाले उनके लिए कैब थे, लेकिन मैंने वहाँ पे उनके अपने ठाकुर जी के लिए सॉक्स बना दूंगी इनके शूज़ जैसे, तो पैरों में पहना दिया करूँगी। तो ये मैं उनके दो एक एक पूरा पेयर लेके आई हुई वाला, बस इतना ही सामान है और ज़्यादा नहीं है कुछ। चलिए अब पूजा कर लेते हैं, अभी अपने ठाकुर जी को सजा कर तैयार करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे भांजे और ननद जी, और ये है पायल,
ये पायल दीदी है हमारी, ये हेलो बोलती है सबसे। और ये है हर्ष, हेलो आप लोग इनसे, ये है हर्ष। दोनों यहीं पे खेला जाता है, नीचे आओ, नीचे आके खेलो, आओ जल्दी डुग्गू, इतनी शरारत नहीं करते बेटा, आओ नीचे, देखो देखो इनके ऊपर भूता। देखो देखो सब लोग इनकी मस्ती देखो, जो डुग्गू करेंगे वही वेदिका करेंगी, फिर देखो वेदिका की शरारत, वैसे सीधी है वेदिका, देखो अब इनकी शरारत वेदिका।